अब वो तो ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा तो परेशान नहीं। डॉक्टर आ गए, डॉक्टर आ गए। पेशेंट कहाँ है? भाई ये कुत्तों का डॉक्टर है या डॉक्टर का कुत्ता? ये है वो डॉक्टर। ये भी डॉक्टर है? नहीं नहीं, ये तो पेशेंट है। कहाँ काटा है? ये यहाँ पे काटा है। ओ दिखाइए जरा। देख लीजिए। ओ इस कुत्ते ने बड़े कुत्ते की तरह काटा है। मुझे इस कुत्ते की बड़े दिनों से तलाश थी। डॉक्टर साहब ये मेरा भाई है। अरे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस कुत्ते की बात कर रहा हूँ जिसने इसके पैर पे निशान बनाया है। क्या दांतों का निशान कुत्ते ने बनाया है? बताओ चांदनी, बड़ा क्रिएटिव कुत्ता था यार। अरे बड़े सफाई से काटा है कुत्ते ने, है ना? कुत्ते का रंग क्या था? मुझे कैसे पता होगा डॉक्टर, अंधेरे में काटा था कुत्ते ने। अरे भाई उसकी उम्र तो पता होगी। भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्या उसके साथ बचपन से लूडो खेल रहा था? भाई ये मेरे डॉक्टर की कुत्ते का। प्लीज आप इनका इलाज कीजिए, देखिए कितनी तकलीफ में है। ओके ओके, आप फिक्र मत कीजिए। देखिए आप ड्रिप लगाएंगे? ड्रिप नहीं, इंजेक्शन है, इंजेक्शन लगाऊंगा। इंजेक्शन है? ये जरा स्लीव तो ऊपर कीजिए। अरे उसकी नहीं भाई, मेरी। अच्छा आप खुद को लगाएंगे फिर ठीक है? नहीं उसको लगाऊंगा। जरा पैंट नीचे कीजिए। बेल्ट लगेगी, खोलना पड़ेगा। अरे मेरी नहीं भाई, उसकी पैंट नीचे कीजिए। डॉक्टर साहब पैंट पर ही लगा दीजिए, नहीं तो सेंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, वो भी ठीक है। हेलो जी, मैं बुलबुल बोल रही हूँ। आप बुलबुल क्यों बोल रही हैं? कुछ और बोलिए ना। कुछ और? अरे वाह, आप इतनी जल्दी मान गई। जी मैं नाराज कब थी? वैसे आपका नाम बहुत प्यारा है, बुलबुल। थैंक यू। और आपका नाम नमन है? नहीं तो। एक्सक्यूज मी, तो फिर क्यों फ्री में टाइम वेस्ट कर रहा है? नमन से बात कराइए। होल्ड करिए भाई। हेलो, उसका फोन है? तुम्हारा फोन है। मैं यहाँ हूँ तो मेरा फोन वहाँ कैसे आ गया? भाई ये जो फोन आया है ना, ये तुम्हारे लिए आया है। किसका है? बुलबुल। बुलबुल हेलो। जी मैं बुलबुल बोल रही हूँ, फिल्म स्टार बुलबुल। फिल्म स्टार बुलबुल? जी हाँ। हाँ जी कहिए। एक्चुअली ना मुझे अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखवानी थी आपसे। मुझसे? लेकिन मुझसे क्यों? एक्चुअली बात ये है ना, किसी और के पास टाइम नहीं। जी मैं कोशिश करके आपके लिए समय निकाल के लिख दूंगा। वेरी गुड, तो फिर शाम को मिलते हैं। कहाँ पे? आपके घर पर। घर पे आएंगे? ठीक है फिर मैं आपका इंतजार करूंगा। ओके बाय। बाय पप्पू। मालूम है किसका फोन था? किसका? फिल्म स्टार बुलबुल का। हाँ? ये कौन है? चांदनी। क्या हुआ? कैसे? नंदू केला कम खाया करो, इससे बोल खाया करो, कुछ नहीं होगा। ये वाली गैस नहीं, गैस था यार। ओ चांदनी तुम मुझसे पूछोगी भी नहीं कि मैं इतना खुश क्यों हूँ? नहीं तो सुनो पप्पू, हमारे घर में बुलबुल आ रही है। नंदू हमारे घर में क्या कम जानवर है, अब बुलबुल भी आके रहेगी? नहीं नहीं नहीं, ये वो बुलबुल नहीं है, ये फिल्म स्टार बुलबुल है, फिल्म स्टार। नंदू हमारे घर में कोई भी आइटम सॉन्ग शूट नहीं होगा, समझे? ये आइटम सॉन्ग के लिए नहीं आ रही है, बुलबुल मुझसे फिल्म लिखवाना चाह रही है, फिल्म। क्या? अब इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के सारे दरवाजे मेरे लिए खुल जाएंगे। हाँ, ताकि आप उन दरवाजों को खोलकर फिल्म इंडस्ट्री से बाहर जा सके। भाई तू बाहर जा यहाँ से, चल बाहर निकल यहाँ से। नॉन क्रिएटिव पर्सन चांदनी, मैंने फैसला कर लिया, अब मैं सिर्फ फिल्म लिखूंगी, ओनली फिल्म। फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाने वाले रास्ते मुझे साफ दिख रहे हैं चांदनी, मेरे अंदर के क्रिएटिव राइटर को मंजिल मिल गई है। तुम सिर्फ मेरा एक काम करना चांदनी। हाँ। ये जो छोटे छोटे डायरेक्टर्स होते हैं ना टीवी वाले, उनके अगर फोन आए ना, इन्हें साफ कह देना कि नमन वर्मा ने टीवी के लिए काम करना बंद कर दिया है। अगर ऐसे टीवी प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर के फोन आए तो मैं मना कर दूं। यस, अब मुझे मेरा काम करने दो, मुझे अपनी जर्नी भी जाने दो। आई वॉन्ट लोनलीनेस, मुझे क्रिएटिविटी के लिए अपना एक स्पेस चाहिए चांदनी, मुझे अपना एक स्पेस चाहिए, मुझे एक बहुत शानदार प्लॉट ढूंढना है, एक स्टोरी ढूंढनी है। ठीक है, कहाँ जा रही है? एक काम करो मेरे लिए, कुछ
अच्छे से बादाम ढूंढ के पानी में डुबो कर। क्यों तुम नहाने जा रहे हो? भगवान, क्रिएटिव इंसान को समझने के लिए कुछ लोग तो पैदा किए होते इस दुनिया में। तुम एक काम करो, कुछ बादाम अपने लिए भी डुबो लो। ओके, क्या हुआ? खुजली दीवार को? कमर में। तो दीवार को क्यों खुजला रहे हो? खुजली दीवार में नहीं, कमर में हुई है। भगवान चाचा। भगवान चाचा? कौन भगवान? आप और कौन? अरे भाई, मेरा नाम ढोलक है, ढोलक, ढोलक दास। चाचा, अगर उम्र का लिहाज नहीं होता ना तो सर दीवार में मार देता। अरे मेरी उम्र का लिहाज मत कर, सर दीवार में दे मारो। एक बात पूछू चाचा? पूछो बेटा। कभी आपको कुत्ते ने काटा? क्या याद दिला दिया, 20 साल पहले ऑफिस में काम करता था। कौन, कुत्ता? अरे नहीं, मेरा एक दोस्त। अच्छा, दोस्त के पास कुत्ता होगा? अरे नहीं भाई, मेरे दोस्त ने मेरी एक गर्लफ्रेंड को पटा लिया और बीच में से मुझे काट दिया। कुत्ता कहेगा। लेकिन तुमने ये सवाल मुझसे क्यों पूछा? ऐसा कुत्ता मैंने आज तक नहीं देखा। नंदू, क्या कर रहे हो तुम? एक क्रिएटिव आदमी का घर है, क्रिएटिव लगना चाहिए ना। चांदनी में फिल्म लिखने जा रहा हूँ। पर नंदू, तुम तो कह रहे थे कि वो लोग आ रहे। वही तो। अच्छा सुनो, तुमने न्यूज चैनल वालों को बता दिया है कि नमन वर्मा एक बहुत बड़ी फिल्म लिखने जा रहे हैं? हाँ। क्या पूछा उन लोगों? कुछ नहीं, एक ही सवाल पूछा उन्होंने। पता है, पूछ रहे होंगे कि किसकी फिल्म लिखने जा रहे हैं। नहीं तो? उन्होंने पूछा कि नमन वर्मा है कौन। सबको देख लूंगा मैं, एक बड़ी फिल्म रिलीज हो जाने तो उसके बाद ढूंढते रहेंगे नमन वर्मा कहाँ गया। नंदू, तुम मुझे तो नहीं भूल जाओगे ना? चलो पगली। अच्छा, फिल्म डिस्कशन के टाइम में मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल रिलैक्स होके फिल्म देखना चाहता हूँ चांदनी, प्लीज। फ्यू मिनट्स के लिए। नॉट इवन फ्यू सेकंड। इस बुलबुल आ गई। जाओ। कहाँ? दरवाजा खोलने। दरवाजा मैं खोलूंगा क्या? अरे तुम दरवाजा खोलते हुए अच्छे लगोगे। अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? ओहो, दरवाजा मैं खोलूंगी। हाँ, जाओ जाओ। और सुनो, तारीफ कर देना कुछ मेरी। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरी? ऑब्वियसली नंदू। जाओ। हेलो। हेलो। दरअसल हमारे घर में कोई बच्चे नहीं है। आप बगल वाले से पूछ लिए, 2-3 बच्चे होंगे वहाँ पर। हम कोई पोलियो ड्रॉप्स पिलाने वाले नहीं हैं। तो फिर? हम प्रोड्यूसर हैं। बेबी, सामने आओ। हेलो। बेबी? ये बेबी है। कौन से ड्रॉप्स पिलाती हैं आप इसे? आपको गलत फहमी है, हम बुलबुल हैं। ओह, मुझे तो लगा कि आप कोयल हैं। आपने मेरी आवाज की वजह से बोला ना? नहीं, आपके रंग की वजह से। थैंक यू। आपने अम्ब्रेला क्यों खोला हुआ है? हमारे घर में तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही। वो ये धूप की छतरी है। आप लोग भी ना, बस आप जैसे आम लोगों को ना ये सब कुछ समझ नहीं आता। आई एम रियली सॉरी। आप अंदर तो चलिए, अंदर नंदू, मेरा मतलब है नमन वर्मा अंदर है। वैसे आपको अंदाजा नहीं है, आप अपनी फिल्म ना एक बहुत बड़े राइटर से लिखवा रहे हैं। अच्छा, पर मैंने तो सुना है कि वो यंग है। जी हाँ। आइए, आप आइए। चांदनी, कोई और आई है क्या भाई? नहीं नहीं, आई तो बुलबुल ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए। हेलो हेलो, हाय। बस आप लोगों का इंतजार कर रहा था। इतने सारे लोग? ये मेरी टीम है। फुटबॉल की? नहीं नहीं नहीं, देखिए ना, ये मेरे बॉडीगार्ड्स हैं, ये और ये मेरे असिस्टेंट्स हैं, और वो मेरे को-प्रोड्यूसर। तो क्या करेंगे इतने सारे लोग? कहानी लिखने में आपकी मदद करेंगे ना। क्या जी? तो चलिए, कोई अच्छा सा नाम बताइए। किसका? फिल्म का। अच्छा, वाह, क्या नाम सोचा है, तुम तो छा गए। नहीं नहीं नहीं, ये कैसा नाम है, कोई और नाम बताइए। भाभी, आप मार्केट जाएंगी ना तो वहाँ से मेरे लिए डायपर ले आना। आपने कभी पहना डायपर? एक्सक्यूज मी, ये कौन है? ये कोई नहीं है, आप फिल्म का नाम सुनिए। अपो, हम लोग यहाँ फिल्म का नाम सोच रहे हैं, तू जा। वाह वाह नंदू, क्या जबरदस्त नाम सोचा है, तुम तो फिर से छा गए। पहले नाम तो बोलने दो। अरे पहले बताओ या बाद में, तुम जब भी बताओगे ना कुछ अच्छा ही बताओगे। अरे अच्छे से याद आया,
एक नाम मैंने भी सोचा भाई, अच्छा कुत्ता गंदी लड़की। क्या क्या नाम बोला कीजिए। शाबाश पप्पू शाबाश। मैंने तुझे इस नाम के साथ तीन चार जो और भी नाम दिए थे ना, उनको भी तो संभाल के रखना, अगली फिल्म में यूज करेंगे अगली। अब तू जा। अरे इन्हें कहाँ भेज रहे हैं, इन्हें भी तो ज्वाइन करने दीजिए जॉइंट वेंचर में। थैंक यू, मैं वहां आकर बैठ सकता हूँ? आइए ना बैठिए प्लीज। चलना। आप कितनी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, जैसे मैं प्यारी हूँ। खामोशियां बेचैनियां नादानियां।